हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मीनाक्षी रावत एंड आई एम सिद्धि शर्मा। आज हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले हैं पेरेंटिंग टिप्स विद एक्ट। ओनली 70% राहुल के 80% है एंड रिमेम्बर योर बेस्ट फ्रेंड पूनम 90% एंड यूर ओनली 70%। मम्मा किसी को मेरे से कंपेयर मत करो, दुख होता है। टिप नंबर 1, अपने बच्चों को किसी और के बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, दुख होता है। सिद्धि बेटा, आपने अपने रूम समेट लिया और शूज रख दिए रात में, टाइम टेबल भी रखना रख दिया। अरे भी बहुत ज्यादा टाइम है, मैं थोड़ी देर बात करूँ। इतना स्लो, जब हम तुम्हारी उम्र में थे ना तो हम सारा काम करते थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे, घर का सारा काम करते थे, और तुमसे छोटे छोटे काम भी नहीं होते। मम्मी अपना बचपन मेरे बचपन से कंपेयर मत करो, दुख होता है। टिप नंबर 2, अपना बचपन अपने बच्चों के बचपन से कंपेयर मत कीजिए, दुख होता है। मम्मी मैं होमवर्क। व्हाट, लुक एट योर हैंडराइटिंग सिद्धि, तुमसे एक हैंडराइटिंग में इम्प्रूव हो रही तो तुम अपना करियर इम्प्रूव करने चली हो। कुछ नहीं है तुम्हारी बस की, तुम किसी काम की हो ही नहीं एक्चुअली। और हाँ, एक नंबर की नालायक हो तुम्हें मेरे घर में ही पैदा होना था। मम्मी ताने मार के ना डीमोटिवेट मत करो, दिल दुखता है। टिप नंबर 3, अपने बच्चों को ताने मार कर डीमोटिवेट मत कीजिए, दिल दुखता है। देखो सिद्धि बेटा, अभी आपके 70% आए हैं, अब नेक्स्ट टाइम आपके 90% तो आने ही चाहिए, प्लीज। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो बहन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आप कैसे हैं? बस ये खुशखबरी देनी थी, मेरे बेटे को तो 92% आए हैं इस बार एग्जाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, आपकी बेटी कितने आए हैं? मेरी बेटी की भी 85% आए। ओह माय गॉड, इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई साहब। ओके भाई। ओके मम्मी, बच्चों के सामने तो झूठ मत बोलो, दिल दुखता है। टिप नंबर 4, अपने बच्चों के सामने तो झूठ मत बोलिए, दिल दुखता है। हाँ शर्मा जी, ठीक है जी। पापा, फोन काटो। अच्छा एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ बेटा। मेरे को पिंक वाली लंबी सी फ्रॉक चाहिए। बेटा लास्ट वीक मैंने आपको ड्रेस दिलाई थी ना? मैं कुछ चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कुछ चाहिए। बेटा मैंने बोला नहीं मिलेगा। फिट जाओगे तुम। नहीं मिलेगा। टिप नंबर 5, अगर आपका बच्चा किसी भी चीज के लिए जिद करता है उसे डांटिए मत, और मारिए तो बिल्कुल भी नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, वो समझ जाएगा कि वो चीज उसे नहीं मिलने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और पेंटिंग टिप्स के साथ।